जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सरदार विदर ओम प्रकाश चौड़ागी, इंडियन आर्मी भारतीय सेना। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो है पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि कहते हैं ना, दिल नहीं पेड़ लगाओ घाव नहीं छाव देंगे मेरे भाई। दिल नहीं पेड़ लगाओ घाव नहीं छाव देंगे, एक चीज का हमेशा याद रखना, ठीक है। और पेड़ जो है ऑक्सीजन के केंद्र बिंदु है, पेड़ ऑक्सीजन के केंद्र बिंदु है। किसी का नाम पेड़ में लिखने से बेहतर है, जो हम लिख देते ना, मोहन की प्यारी सोनिया फलाना ढिकाना अंटे संडे, इतने बड़े कील से जो जख्म बनाते हैं पेड़ों के अंदर, मेरे भाई उन्हीं की बदौलत तू जिंदा है। और आज तू कसम खा ले, और आज कसम खा मैं कसम खाता हूँ, कभी भी जिंदगी के अंदर कीलों से पेड़ों को कभी जख्म नहीं दूंगा। जंगल में जाते हैं, आई लव सो एंड सो, डेट ऑफ बर्थ डाल के आते हैं, फिर डेट डालते हैं, पेड़ की खाल निकाल देते हैं। दोस्तों जैसे हमारे शरीर को दर्द होता है, पेड़ों में भी जान होती है, ठीक है, पेड़ों में जान होती है। उसमें प्लीज मेहरबानी है, आपसे हाथ जोड़ के बेचते, कृपया कभी भी पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, समझ गए। पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करें। कहीं भी आप जाते हैं, मेहरबानी, आप ड्यूटी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं ना, या कहीं जा रहे हैं, तो आजकल बरसात के मौसम की वजह से जो है आसपास में काफी गवर्नमेंट ने काफी पेड़ लगाए हुए हैं, और कुछ स्वयंसेवी भी है मेरे जैसे भाई, बहुत है। जैसे मैं 5 पेड़ लगा चुका हूँ, जिसमें 2 बरगद के, 2 पीपल के और 1 जो है एर का पाम लगा था, 5 पेड़ तो लगाए हैं और वो अभी जिंदा है और खड़े हो गए, क्योंकि 1.5 महीने के आसपास उनको मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है। ऐसी और भाई भी है, जिसका मैंने एक वीडियो लेडी का डाला था पहले भी, जो है 2 जर्किन 20 लीटर के अपने बेटे के साथ आई थी, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था, थोड़ी से बात करी थी, जिनको मैंने अचानक पकड़ा था कि वो पानी डाल रही थी। तब मैंने पूछा था कि यार जर्किन लेके आए हैं, तब पूछा, उन्हें बोलते हैं हम रोज आते हैं, ठीक है, रोज आते हैं, सिर्फ एक दिन पानी डालते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ संडे को या किस दिन, ये उस दिन पानी डालता है, क्योंकि उन्होंने वहां पे उसका बेल का, ये अपना बेल पत्नी का पेड़ लगाया हुआ था, जो शानदार और हरा भरा था, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो ऐसे लोग भी हैं, कार्यकर्ता ऐसे लोग हैं जो देश के सम्मान, देश के पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रोटी नहीं सेक रहे हैं, अपना पैसा कमाई के अलावा भी ऐसा पुण्य का काम कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी को, जो हम चार्ज लेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है, जो हम उनको अपने देश को सौंपेंगे, तो कम से कम उनको देश हरा भरा मिले। ऐसा नहीं कि पूरे जंगल के जंगल साफ हो गए, जो हम डिफॉरेस्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। कहने वाले ने कहा है कि अगर आप पौधे नहीं लगा सकते ना, तो आपको एक शर्त दे देते हैं, यार पौधे नहीं लगा सकते तो कम से कम पानी तो डालो। जब भी आप ड्यूटी कहीं जाओ तो एक बोतल, 1 लीटर की बोतल रख लो और अपना एक पेड़ चुन लो, पूरे पेड़ को ठेका मत दो, एक पेड़ अपना लैंडमार्क चुन लो कि इस पेड़ में मैं पानी डालूंगा। एक पुरानी बोतल ले लो 2 लीटर की, कौन सा, आप पैदल तो जाते नहीं ड्यूटी में, आज क्योंकि युवा तो इतना कमजोर हो गया है ना, पैदल चलने की तो महाभारत है भाई, पैदल जरा सा चलने के लिए जरा सा 2 मीटर चलना, 2 मिनट में मोटरसाइकिल में लेके, मैं देखता हूँ कैन लटकाते हैं मोटरसाइकिल, 10 मीटर से मोटरसाइकिल में लेकर दूध लेने के लिए आते हैं। 2 लीटर की बैटल अभी बैग में डालो, कहीं रास्ते में जैसे ऑफिस के आसपास भी आपके पेड़ पौधे छोटे छोटे पोल खिलखिला के संघर्ष कर रहे हैं, बारिश नहीं हो पा रही है, तो उसमें डाल दो अपने एक पौधे को, आप गोद ले लो, बस हो गया कि ये मेरा पौधा, मैंने गोद लिया है, उसमें पानी डालो मेरे भाई, और देश को पर्यावरण से हरा भरा करो, क्योंकि बहुत आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत होने वाली है, ठीक है। ये जो मैं पूरी स्टडी करने के बाद, पूरी रीडिंग करके, पूरा पढ़ने के बाद मैं ये चीजें बता रहा हूँ जो हकीकत एक्चुअल है, क्योंकि मैं तो यही चीजें करते आया हूँ। मैंने कुछ 30-25-30 हजार रुपए के पेड़ अपनी जेब से जो है गंगानगर में, जो मेरी लास्ट पोस्टिंग गंगानगर में हुई है, अभी हुई थी, तो उस पर मैंने लगवाए थे 2 साल पहले, ठीक है। उसके अलावा हमारे कमांडिंग अफसर महोदय जो सीओ साहब मेजर कर्नल राजीव नयन साहब थे, उनकी कमान के अंडर कमांड मुझे ये टास्क मिले, मौका मिला, मैं अभिभावक, उन्होंने मेरे को चुना, और मैं पेड़ों के प्रति बहुत ही दीवाना हूँ, बहुत दीवानगी है, क्योंकि पर्यावरण अच्छा होगा तो देश तभी देश बनेगा, पर्यावरण होने से तो देश बनेगा, ठीक है। इतना प्रति इतनी गाड़ियाँ चल रही है, तो उन्होंने मुझे ये टास्क दिया था, तो मैंने पूरे इलाके को पूरा लाइन लगा दी, मुझे अच्छा मौका मिला, मैंने उसके हिसाब से अपनी जेब के पैसे भी लगा के पेड़ जितना हो सके दबा के लगाए, ठीक है। गवर्नमेंट से पेड़ उठाए, 1 रुपए पौधे के हिसाब से लाखों पेड़ वहां से उठाए हैं, ठीक है, लगा युद्ध स्थल, लोगों को बांटे, लोगों को दिए, दाए में दिए, और युद्ध को भी दिए, उधर ताकि वो लोग भी पेड़ लगाए। तो मैं कर्नल राजीव नयन साहब का, जो कर्नल हमारे मेरे कर्नल राजीव नयन साहब थे, जिनकी कमान में मैंने वो मुझे टास्क मिला था, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। वो एक ऐसे बैटल हीरो है ना, उनका नाम मैं पूरे मीडिया के सामने, पूरे सोशल मीडिया के सामने लेना चाहता हूँ। कर्नल राजीव नयन साहब कुमाऊं रेजिमेंट 6 कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर वो कमांडिंग अफसर रहे, उन्हें कमान किया, और जब वो दिल्ली में पोस्टिंग थे, मुझे याद है उनके साथ काम करने का मुझे बहुत मौका मिला है, जब वो दिल्ली में पोस्टिंग थे, तो उन्होंने जिस क्वार्टर के इलाके में वो रहते थे ना,
जिस इलाके में वो रहते थे वहां पूरा हरा भरा कर दिया था, और जहां पर हमारी यूनिट थी यहाँ पे पालम में, पाले में हमारी यूनिट थी, आजकल तो वहां का नक्शा चेंज हो गया, तो उसके अंदर मैं जाके चेक करके आ गया हूँ, वो पेड़ अब लहला के बड़े हो गए। वो कर्नल राजीव नयन साहब की मेहरबानी थी जिनकी वजह से यह जब पेड़ बड़े हो गया, उनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला भी है, मैं आएगा, क्योंकि पेड़ गंगानगर के अंदर भी उन्होंने क्या रुद्रप्रयाग, पूरा रुद्रप्रयाग के लोग, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहे तो आपको याद होगा कि कुमाऊं रेजिमेंट 6 में वहाँ रुद्रप्रयाग में आई थी अभी कुछ समय पहले, तो वहां पर जो है उन्होंने फॉरेस्ट वाले भी उनसे खुश हो गए, उन्होंने पूरे वहां से पेड़ उठा उठा के पेमेंट खरीद के तुम दे दो यार बस हो गया, तुम मत लगाओ हम लगा देंगे करके कटाओ में पेड़ों की लाइन लगा दी, हर जगह पेड़ों की लाइन लगा दी, पूरा झाड़ बिछा दिया। ऐसा पर्यावरण पड़ी देश को चाहिए जो जो इसमें जाए। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ मजाक बनाते हैं कि यार पेड़ लगा रहे ये लगा रहे हैं, किसी और साहब है वो है, अभी बेवकूफ इंसान हो, अभी नालायक हो, जो काम वो इंसान ने किया है ना वो जिंदगी में करने के लिए गर्दा कलेजा जिगरा चाहिए, जिगरा हिम्मत चाहिए, मानसिक ताकत चाहिए, दिमाग ताकत हिम्मत चाहिए उसको करने के लिए। वो काम आसान नहीं है, किसी पेड़ को खड़ा करना, उसको बच्चे तक बड़ा करना, कोई बच्चा हुआ खेल लिया है, ये किसी गाड़ी में जो है गाड़ी में 20 लाख की गाड़ी में घूमने जैसा नहीं हो रहा, चुपचाप बैठ जाओ और गेयर ऑटो गेयर लगे हुए हैं, गेयर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उससे भी तुम लोगों को निकम्मा और नकारा कर दिया ऑटो गेयर देके, ताकि हाथ भी ना चला पड़े अपना भी गेयर लग जाए, इतना तो निकम्मा और नकारा बना दिया इंसान को, वो सोचता गाड़ी में बैठ जाओ गाड़ी अपना भी जाए। तो शिव साहब भी आप कर्नल राजीव नयन साहब जहाँ भी है ना आप मेरा वीडियो देख रहे, तो मैं आपको सबसे नमन करता हूँ। मैं सुंदर मेजर ओम प्रकाश चलागी इंडियन आर्मी भारतीय सेना, उनके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, उन्होंने पर्यावरण के नाम पर उनका रिकॉर्ड है, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, वो जहाँ भी रहे विदेश में 5-6 बार विदेशों का टूर मारते हैं, विदेशों में भी उनकी ड्यूटियाँ रही है क्योंकि ब्रेन के बहुत ही तेज है, तो वहाँ क्या कहते हैं स्टटर भी गए हुए हैं, तो वहाँ उन्होंने भी वहाँ भी काफ़ी पेड़ लगवाए हैं, वहाँ भी वो मैसेज दे के आए हैं, हर जगह मैसेज देते हैं, बहुत तगड़े तगड़े मैसेज देते हैं, और पेड़ लगाने के लिए जैसे उनके साथ मेरे को जोड़ा गया तो मैं कहता हूँ खुशी का ठिकाना इसलिए रहा क्योंकि ये काम बहुत शानदार और जानदार था, तो मैंने कहा यार ये टास्क को तो हम 100% पूरा करेंगे, तो हमने सेना के दायित्व को निभाते हुए भी पर्यावरण को बचाने का काम भी किया और युद्ध स्तर पर दुनिया भर के पेड़ लगाए और वहाँ पर लहरा रहे हैं वो पेड़, ठीक है, और दिल्ली तो पूरा हरा भरा हो गया है, पालम एयरपोर्ट पर हमारी यूनिट थी तो वहाँ भी हरा भर गया। दोस्तों कभी भी डी फॉरेस्ट होने से पर्यावरण को बचाए, ठीक है, राजीव नयन साहब का कर्नल साहब का जो आगे जाके बहुत आगे भी जाएंगे उनके बाद तहे दिल से नमन करता हूँ और शुक्रगुजार करता हूँ। तो दोस्तों पेड़ों को डिफॉरेस्ट होने से बचाएं, डिफॉरेस्ट होने से बचाएं, पेड़ों का कटान होता कैसे मैं आपको बताता हूँ, पेड़ों को कटान होने से बचाएं, अभी जो पेड़ कट रहे हैं लग कहीं नहीं रहे, बड़े बड़े मॉल बन रहे, बड़े वो लग रहे हैं, वहां से पेड़ों को साफ कर दिया जा रहा है, पहाड़ों में घर घर पर रोड पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि घर घर रोड पहुंचा तुम दे रहे हो, लेकिन उसके कटान को कौन रोकेगा है, बस लोग खुश, गांव वाले खुश हो गए मेरे घर तक रोड पहुंच गए, लेकिन जो उसके लिए जितने पेड़ों की बलि देगी उसके बदले में जो पेड़ लगाने वो पेड़ आके आपने लगाए हैं, और जो उसका जो जेसीबी ने उसके रोड को कटान किया उसके बाद उसके कटान को भरपाई आपने करी, उसके दावे पूरे वाल लगाए, तो बरसात से भूस्खलन ना हो, इतनी मौतें क्यों हो रही है भूस्खलन से, इसी वजह से हो रही है, रोड बना दी जाती है लेकिन उसकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है, उसके कटाव को रोका, उसके दाए में छोटे मोटे पेड़ लगाए ताकि कल के दिन बड़े हो तो मिट्टी के कटाव को रोके, क्या ऐसा किया गया, डिफॉरेस्ट का मैं एक मुद्दा ये भी है, ठीक है, डिफॉरेस्ट होने का कारण क्या हो रहे थे, अमेजन के जंगल अफ्रीका के पूरे साफ होते जा रहे हैं, वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा अमेजन का जंगल है जहाँ वर्ल्ड के पूरे जानवर पाए जाते हैं, लेकिन वहां भी माफिया घुस चुका है, पेड़ कैसे, मैं बताता हूँ आपको भी पेड़ कैसे कटते हैं और कैसे क्या करते हैं, किस तरीके से इसका धंधा शुरू होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है इन जंगलों के अंदर लोगों की बिलीफ के अंदर से वहां पर रोड बनाई जाती है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको जो हकीकत है, जो मैंने स्टडी करी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि पहले वहां रोड बनाई जाती है, वहां तक रोड पहुंचाई जाती है, ठीक है, ये सब मेल मिलाप से होता है, सब घुसपैठ आपस में कनेक्टिविटी के सही है, सब पैसों का गेम है दोस्तों। उसके बाद क्या जाता है, वहां तक रोड बनाई जाती है, जंगलों के अंदर रोड बनाई जाती है जहां पहले कभी कोई रहता ही नहीं है, पहले वहां कच्ची टेम्परेरी रोड वहां तक पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद कीमती पेड़ों को वहां से काट दिया जाता है और उससे पैसे बनाए जाते हैं, उन पैसों के बनाने जाने के बाद वो माफिया वहां से निकल जाता है, लेकिन रोड वहीं रह जाती है, रोड वहां रहने से लोग वहां बस जाते हैं कि रोड मिल गई या फैसिलिटी मिल गई, रोड वहां छोड़ दी वो तो चले गए अपने रोड कमा के, रोड को वहीं छोड़ जाते हैं और उसकी वजह से वहां लोग बसना शुरू करते हैं, वहां पे जो है खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, और क्या है इसका सबसे बड़ा कारण जो मीट का धंधा है ना, जो मीट की वजह से भी ये पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, वहां लोग स्टेबल जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वहां के अपने जानवरों को पैदा करने बढ़ाने के लिए, उनको बेचने के लिए, उनका मीट के बिजनेस में डालने के लिए वहां के पेड़ों को काटा जाता है और वहां पर घास लगाई जाती है जानवर खिलाने के लिए,
वहां पे चारगाह बनाए जाते हैं, चारगाह बनाए जाते हैं, वहां पे थे चारगाह लाके उनके घास कट के पूरे मैदान के मैदान साफ कर दिए जाते हैं और वहां पे एक तरह के गांव स्टेब्लिश हो जाता है। गांव स्टेब्लिश होने से वहां का जंगल इलाका पूरा साफ हो जाता है, लोग वहां के पेड़ों को काट देते हैं, लगाता कोई नहीं है, वहां चारगाह बना देते हैं और उसी उन को भेजा जाता है और बीट व्यापार में उनको शामिल किया जाता है। ये बहुत बड़ा क्राइम और बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और अगर अभी आप सोचे कल पे छोड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, पर्यावरण खत्म हो जाए, ग्लेशियर बुरी तरह गल रहे हैं दोस्तों, ग्लेशियर गल रहे हैं। क्यों गल रहे हैं? पर्यावरण की वजह से गर्मी इतनी भर चुकी है, पॉल्यूशन इतना भर चुका है, पेड़ कट रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि पेड़ जो है कार्बन को सोखता है, पेड़ कार्बन को सोखता है, जो भी ऑक्सीजन कार्बन होती है उसको शोषित करता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और पेड़ जो है एसी का काम भी करता है, एसी का काम क्या करता है, वो जमीन के पानी को खींचता है, जमीन को पानी खींच के पत्तों तक पहुंचा 55 से वायुमंडल तक पहुंचाता है, तब जाके बारिश होती है। और एसी का काम होता है सभी मॉइस्चर को ठंडा रखता है, और एसी का काम भी करता है, और वायुमंडल पर्यावरण की वजह से उसका बारिश होती है, ठीक है दोस्तों। पेड़ लगा, अगर पेड़ लगाना है दोस्तों तो आप एक कर्म का अच्छा सा काम, मैं आपको व्यक्ति है कि एक पेड़ लगाइए, अपने नाम का एक पेड़ लगाए, किसी का नाम पेड़ है वो लिखने से बेहतर है कि उसके नाम का एक पेड़ लगाए, ठीक है। और पेड़ दिल नहीं पेड़ लगाए, घाव नहीं छाव देंगे दोस्तों। और हमेशा याद रखें पेड़ जो है ऑक्सीजन का केंद्र बिंदु होता है, तो इससे बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है और ये अंदर तक जंगलों के अंदर घुस जाते हैं जहां कभी कोई गया नहीं होता, और रोड को वैसे ही छोड़ देते हैं, और लोग वहां पे अपना गांव जिसके पास जो रिफ्यूजी होते हैं वहां अपना घर बसा लेते हैं, और उस इलाके जंगल को धीरे धीरे वो साफ कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा क्राइम, बहुत ही धंधा जो अपने बिजनेस में चल रहा है। आप अपने गाँव में देख लो, अपने पहाड़ों के लोहाघाट चंपावत पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जो मधुरखंड का निवासी, इसलिए बता रहा हूँ कि अपने पहाड़ों के अंदर ही देख लो आप, ये बारात के लिए एक गैस चूल्हे को इस्तेमाल नहीं करते हो, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, आप जंगल से पेड़ कटा देते हो, नहीं कटाते हो, मुँह के सामने बोलता हूँ, ठीक है। एक पेड़ कमीशन दे के, पैसा दे के आप एक पेड़ सेंसर करवाते हो कमीशन के साथ, और वही लेबर जो है वही जो वहाँ का जो फॉरेस्टर है वो पेड़ कटवा के दो पेड़ आपको काट के देता है, होता है नहीं होता कि क्या, ये बहुत बड़ा क्राइम चल रहा है। और वो पेड़ कटने में दोस्तों जो पेड़ आपने काट दिया ना बारात के लिए और लोगों को खिला दिया है, और जो कट्ठे तुम पेड़ काट के लगाते हो उसकी सूखी टहनियां ले जाओ उसको जलाओ, जो उसकी सूखी टहनियां होती है उसको ले जाओ भाई, उसको जलाओ मेरे भाई। पेड़ को बड़े होने में 30-35 साल लग जाते हैं, उस पेड़ बड़ा होता है, और तुम एक ही बार में उसको आज से साफ कर देते हो। गवर्नमेंट से मेरी मेहरबानी है कि जो है ना ये जंगल को बचाया जाए, जंगलों को डीफॉरेस्ट होने से बचाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, और इस पर कानून बहुत ही सख्ती किया जाए, जो पेड़ों को काटता है उसको सख्ती से सख्त, बिल्कुल एक पेड़ काटने का मतलब है कि समझ लो कि एक इंसान की जान ले ली उसने, और सख्ती से सख्त कानून बनाया जाए, और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। मोदी जी आपको मैं एक राय ये भी कहता हूं सोशल मीडिया के, आपके पास बहुत कम है, मैं रह जाऊँ, जंगलों को डीफॉरेस्ट होने से बचाए, और जंगलों में और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें, और इसमें कर्मचारी नियुक्त करें जो भी चेक भी करके बारिश भी होती है, उसमें पानी भी डालना पड़ता है। दिल्ली के अंदर काफी पेड़ लग गए हैं, लेकिन कुछ झुक गए हैं, कुछ लटक रहे हैं, कुछ फटक रहे हैं, जिनको मैं खुद अपने कभी जब जाता हूँ तो सूतली से उनको बांध के एंकर पर भिले करके सीधा करके आता हूँ ताकि वो सपोर्ट में रहे। तो हर कोई अगर बेचारी धीरे धीरे अपना शांति का अपनी नौकरी अपनी तनख्वाह अपने पैसों के चक्कर में मत पड़ो दोस्तों, देश को बचाना भी है, ये मतलब नहीं कि जिंदगी के अंदर हम यहाँ आ गए ना, अब यहाँ आ गए बस हो गया, अपना टाइम काटो और निकल जाओ, ठीक है। अब मैं देख रहा था परसों एक दिन मैं पेड़ लगा रहा था, पेड़ में पानी डाल रहा था, उसका वीडियो बना था, कुछ लोग हंसते हुए भी जा रहे थे दोस्तों, उनकी मानसिक सोच छोटी है यार मेरे भाई, उनके हंसने से डरना नहीं है, ठीक है। अच्छी किताब अच्छी चाहने वाले भी दुश्मन बहुत है बिंदास, और उनके ऊपर से पैरों से कुचल के उनके ऊपर थूकते हुए निकल जाना, आगे बढ़ जाना शेरों की तरफ, क्योंकि हम बब्बर शेर है, अच्छा काम करने वाला हमेशा बब्बर शेर होता है दोस्तों, और बब्बर शेर किसी से नहीं डरता, सच्चाई वाला इंसान किसी से नहीं डरता दोस्तों। अगर सच बोलना है तो खाने में नाम दिखाना पड़ेगा, और जो है पेड़ लगाओ, एक ही पौधा अपने नाम से लगाओ, उसको बहुत दिलाओ, आपसे कौन बोलना 1000 पेड़ लगाने के लिए, एक पेड़ तो लगा सकते हो ना, अभी बरसात का मौसम 2-4 बूंदे और गिरेगी, तो अभी अभी शुरू करिए, आज से कदम खाइए कि मैं पेड़ लगाऊंगा, और एक पेड़ अपने नाम का आसपास कहीं लगवा दीजिए, और उसमें बीच बीच में पानी डालते रहिए, ठीक है। छोटा पेड़ लगा दीजिए, जैसे उतरा सा जल पकड़ लेगा फिर आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है, फिर जमीन से पानी खींचेगा, फिर एसी का काम करेगा, कार्बन सोखेगा, कार्बन सोखने से क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन सोखने का एक कमाल का जरिया है, ठीक है। तो ये है कि दोस्तों अब मीट पालन करने की वजह से मीट खाने का मीट का सेवन कम से कम करें, मीट का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है, मीट खाने वाले शौकीन बहुत ज्यादा हो गए, मांस खा के बिल्कुल मांसाहारी हो गए ना, खुद ही मांस जैसे हो चुके हैं ये लोग, और बहुत बुरी हालत है दोस्तों। मीट कम करें, मीट की वजह से जंगल कट रहे हैं, क्योंकि पशु बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी सप्लाई हो रही है बड़ी बड़ी, अब उनके जंगल साफ हो रहे हैं, मार के उसके अंदर हो चुका है, अभी वहां उसके लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि जंगलों को कैसा बचाया जाए, तो इन माफिया को कैसे पकड़ा जाए, तो ये चल रहा है, लोग पैसा बना रहे, कितना पैसा बनाओगे हराम खोरो, अरबों रुपए कमा के करोगे क्या, मर जाओगे सालों नाली के किलो वैसे की वैसे रह जाओगे, इसे जंगल है पेड़ बदल कुछ है, मॉल बनता है तो उसके बटे से पेड़ कहाँ लगेंगे उसका भी ध्यान है, जितने पेड़ करो उतने बिले तो उसका मालिक की जवाबदारी, उतने पेड़ लगाएगा भी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।